Shriram Public School online classes channel and today's topic is about class 9 science and chapter number 6 हम पढ़ रहे थे जिसका हम अभी part 4 video आपको discuss कर रहे हैं. So previous part में हमने देखा था इससे पहले वाले में कि हम discuss कर रहे थे animal tissue के बारे में जिसमें हमने पहला type discuss कर लिया था that was epithelial tissue. Now आज के part में हम discuss करेंगे second part जो हो जाता है connective tissue और उसके sub types यानी कि और कितने टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पॉसिबल है. तो पहले जनरल क्राइटेरिया देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली थ्री कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है. सबसे पहला हो जाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. तो एक ऐसा टिश्यू जिसमें भी सेल्स हैं साथ में एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सॉल्यूशन टाइप कह दीजिए आप उसमें मैट्रिक्स हो जाता है और थर्ड इसमें हो जाते हैं आपके विशेष प्रकार के फाइबर्स यानी कि सेल जो है प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर को बनाती है और यही स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं आपके फाइबर्स. ठीक है, इसके अलावा एक केमिकल का बना हुआ आप कह सकते हैं एक थिक यानी कि गाढ़ा मैट्रिक्स हो जाता है और वो मैट्रिक्स हो जाता है हाइलुरोनिक एसिड. और कुछ कनेक्टिव टिश्यू में हम आगे पढ़ेंगे कि यही मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कैल्सिफिकेशन यानी कि वो मैट्रिक्स में कुछ अमाउंट में कैल्शियम के मिनरल्स जमा हो जाते हैं तो मैट्रिक्स हमारा हो जाता है हार्ड जैसे कि अपन देखेंगे कार्टिलेज और बोन के केस में. और साथ में देख रहे हैं अपन डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं जिसमें सबसे कॉमन सेल हो जाता है आपका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एडिपोस सेल और एक हो जाता है मैक्रोफेजेस. हर एक टाइप की सेल का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करती है जिसमें आपको पता होना चाहिए फाइब्रोब्लास्ट वो सेल होती है जो कि फाइबर्स बनाती है. और कनेक्टिव टिश्यू में मेनली व्हाइट फाइबर्स हो सकते हैं और येलो फाइबर्स. ठीक है, जिसमें कि व्हाइट फाइबर्स मेनली कोलाजन के बने होते हैं और येलो फाइबर्स इलास्टिक होते हैं और इलास्टिन नाम के एक प्रोटीन के बने होते हैं. तो यही सारे कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स मैट्रिक और सेल्स अरेंज होकर के व्यवस्थित होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिसमें अपन कुछ टाइप आपके दिए गए हैं आपके चैप्टर में. एक हो जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेनली टू आपके एग्जाम्पल है, एक हो जाता है ब्लड और दूसरा हो जाता है लिम्फ. तो यहाँ पर ब्लड का जो कनेक्टिव टिश्यू वर्जन है उसमें अपन ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो हो जाती है आपकी लिक्विड और ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि फाइबर्स नहीं होते हैं, फाइबर्स एब्सेंट हो जाते हैं और ब्लड में हो जाती है कुछ टाइप्स की सेल्स. तो इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. पहला टॉपिक हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फंक्शन की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हो जाता है प्रोवाइड सपोर्ट. ठीक है, इसके अलावा कंडक्शन, वेस्कुलराइजेशन यानी कि एलिमेंट्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, बॉडी सपोर्ट में और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट यानी कवर करने में और उनको उनकी जगह यानी कीपिंग देम इन देयर प्लेसेस को बनाए रखने में. बोन्स को, मसल्स को, ऑर्गन्स को, ये सब क्या हो जाते हैं आपने कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट हैं और इंडिविजुअली डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो पहला कनेक्टिव टिश्यू हम यहाँ हमें डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो मेनली टू टाइप्स का है. पहला हो जाता है ब्लड और सेकंड हो जाता है लिम्फ. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड के बारे में. सो ब्लड जैसा कि हमने बताया मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाती है ब्लड की, फ्लूइड मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर ब्लड के केस में हो जाता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा. नाउ प्लाज्मा कंटेन्स फ्लोटिंग सेल्स और इन सेल्स को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉर्पस्कल्स. नाउ ब्लड में जैसे हमने बनाया कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या हो जाते हैं सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और फाइबर होता है. लेकिन यहाँ ब्लड में हम कह रहे हैं कि फाइबर एब्सेंट है, केवल और केवल मैट्रिक्स है जिसको हम यहाँ प्लाज्मा बोल रहे हैं और सेल्स हैं और उन सेल्स को हम यहाँ बोलते हैं कॉर्पस्कल्स. ठीक है, या कॉर्पस्कल्स. सो इन कॉर्पस्कल्स के साथ साथ मैट्रिक्स मौजूद है तो ये ब्लड के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. और फंक्शन की बात करें तो ब्लड का मेन फंक्शन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल यानी कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में
यानी कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी कि जो भी हम पोषक पदार्थ खा रहे हैं उसको बॉडी में हर जगह पहुंचाने में, गैसेस कंडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के कंडक्शन में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर ले जाने में, और लास्टली हॉर्मोन्स, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स बॉडी में बनते हैं जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। नाउ एक्सक्यूज मी, ये ब्लड आपके के फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ ब्लड के जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं कि ब्लड किन कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है। एक हो जाता है प्लाज्मा जो मैट्रिक्स है, और दूसरी हो जाते हैं सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं ताप सेल्स, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड जैसे हमने पहले बताया कि ब्लड टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो जाता है प्लाज्मा जो उसका हो जाता है मैट्रिक्स, और रिमेनिंग हो जाती हैं सेल्स जिनको हम यहाँ बोल देते हैं टॉप सेल्स। तो ब्लड का 55% यानी कि 55% भाग हो जाता है उसका मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा, जो कि किससे मिलकर भी बना होता है लगभग, यहाँ पर अपन देखें तो 90-91% प्लाज्मा में क्या हो जाता है, वाटर। इसके अलावा अपन कहेंगे कि 7% क्या हो जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, तीन टाइप की है मेनली, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, और लास्टली इसमें 0.9% आपके हो जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, ऐसे ही सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ब्लड का कॉर्पसल्स यानी कि सेल्स, जो ब्लड का टोटल 45% पार्ट बनाती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनके शेप, कलर और साइज और फंक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, यानी कि ब्लड के मैट्रिक्स में 3 टाइप्स के सेल जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, और उन्हें अपन बोल देते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। तो 3 टाइप के कौन कौन से हैं, सबसे पहले हो जाता है आपका RBC, रेड ब्लड और कॉर्पसल्स। तो यहां पर पहला हो जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इनको आप कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स, सेल्स का नाम क्या हो जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी बात है, तो कंटेन्स रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नॉर्मली ये कैसी होती है, डिस्क या ओवल शेप की, आपके हल्के से डिस्क शेप की हो जाते हैं, जिसमें किसी भी टाइप का सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन और आपका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। नाउ क्या बोल रहे हैं, इट कंटेन्स रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक तरह का केमिकल होता है जो कि रेड कलर का होता है, इसलिए अपन कह रहे हैं पिगमेंट, और उस पिगमेंट में क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, यही वो हीमोग्लोबिन है जो क्या करता है बॉडी में हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड का जो फंक्शन हम बोल रहे हैं गैसों के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो एक्चुअली वो फंक्शन यहाँ पर RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और उसमें भी हीमोग्लोबिन कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेल हो जाती है आपकी WBC, यहाँ पर हम कहेंगे W stands for white, B stands for blood और C stands for capsules। साथ में इनके लिए एक और नाम है, इनको हम बोल देते हैं, चूंकि ये व्हाइट कलर की हो जाती हैं, इसलिए हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, also called as a soldiers of body। तो बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड में जो भी प्रोटेक्ट करने वाली सेल्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दे आर एक तो इरेगुलर होती हैं, यानी कि इनका कोई डेफिनेटिव शेप नहीं होता, कंटिन्यूसली ये अपना शेप को बदलती रहती हैं, इसलिए बोलते हैं अमीबॉइड। और फैगोसाइट यानी कि जो फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया, वायरस है, किसी तरह का इन्फेक्टिव पार्टिकल, उसको ये इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ये प्रोसेस आपका हो जाता है फैगोसाइटोसिस। नाउ प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल, कॉमन फंक्शन हो जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन इन्फेक्टिव पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर थिंग्स, ठीक है, जैसे कि आपके प्रोटोजोन्स। नाउ ये मेनली 5 टाइप्स के हो जा रहे हैं ब्लड में, हम कह रहे हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन इनके शेप और साइज और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के कारण, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये
ये टोटल फाइव टाइप के आपके क्या हो जाते हैं, ब्लड व्हाइट सेल्स। नाउ लास्टली ब्लड प्लाज्मा में जो सेल रहती है वो हो जाती है आपकी थर्ड नंबर पे है प्लेटलेट्स, ठीक है, इररेगुलर शेप की चिप्स लाइक के, ठीक है। नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट, क्या नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये स्पिंडल शेप के यानी कि चिप्स यानी टुकड़ों, चिप्स के टुकड़े जैसे हो जाते हैं उस शेप के सेल्स हो जाते हैं और विच आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी कि नॉर्मली हमको जब भी ब्लीडिंग होती है छोटे घाव में तो ब्लीडिंग के कुछ समय बाद हम देखते हैं ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो उस क्लॉट बनने की प्रोसेस में कौन से ब्लड के सेल हेल्प करते हैं, वो आपके ब्लड के प्लाज्मा प्लेटलेट सेल जो होती है वो हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा ब्लड के कॉम्पोनेंट्स और ब्लड किसके अंडर हम डिस्कस कर रहे थे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें कि प्लाज्मा और कॉर्पसल्स दो टाइप के कंपोनेंट हो जाते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या रोल है और किस किस चीज से वो मिलकर के बने हैं यहाँ पर हमने देखा। नाउ इसके आगे सेकंड कनेक्टिव टिश्यू आपका आ जाता है, जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी वो जाती है स्केलेटल टिश्यू यानी कि कंकालीय ऊतक। सो कंपोनेंट्स ऑफ सेल की जो हम बात कर रहे थे उसमें जो आपके कॉर्पसल्स थे डिफरेंट टाइप के देखें तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स हो जाते हैं, आपके डिस्क शेप के हैं, फिर प्लेटलेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं चिप्स या फिर स्पिंडल शेप के हैं, फिर अलग अलग वाइट ब्लड सेल आप देख सकते हैं मोनोसाइट, यहाँ पर लिम्फोसाइट, बैसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज और उनके जो अंदर न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग शेप के हो जाते हैं, इस अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप की वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और ये आपकी प्लेटलेट, इस तरह के डायग्राम आपकी बुक में भी दिए गए हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपका हो जाता है स्केलेटल टिश्यू। सो स्केलेटल टिश्यू जैसा कि नाम बता रहा है इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी कि बॉडी में जो मेनली मेजर फ्रेमवर्क यानी ढांचा बना रहा है और बॉडी को पूरी पॉस्चर या सपोर्ट दे रहा है वो आपका हो जाता है स्केलेटल टिश्यू। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टू टाइप्स का हमने पढ़ा है, एक हो जाता है आपका पहला बोन और दूसरा हो जाता है कार्टिलेज। पहले यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बोन के बारे में कि बोन किस तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है स्केलेटल टिश्यू के अंडर। तो यहाँ पर अपन देखें जैसे मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू में दो टोटल थ्री कंपोनेंट्स थे, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी है, सेल्स भी है और कुछ टाइप के फाइबर्स भी होते हैं जो कि बोन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बात करें मैट्रिक्स इज वेरी हार्ड, जैसे अपन ने ब्लड में देखा तो मैट्रिक्स कैसी थी, लिक्विड थी, फ्लूइड थी, जिसे अपन ने प्लाज्मा कहा था। लेकिन यहाँ पर अपन बोन के केस में जो देख रहे हैं मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जा रही है, वेरी हार्ड। क्यों हो जा रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग 60-70% इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट और रिमेनिंग आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो जाता है मैट्रिक्स में, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। और साथ में यहाँ पर फाइबर का बना हुआ एक प्रोटीन हो जाता है जिसे कहते हैं ओसिन। नाउ इसके अलावा बात करें सेल्स की तो आपके बोन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हो जाते हैं जो कि बोन की मैट्रिक्स और फाइबर बनाने का काम करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं बोन के लिए और ब्लास्ट यानी कि बनाने वाली यानी फॉर्म करने वाली। तो इन हार्ड मैट्रिक्स सेल्स कौन सी हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट, और ये हार्ड मैट्रिक्स में बीच में मौजूद रहती है। किस तरीके से, तो मैट्रिक्स इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ लैमेली और फॉर्म सेंट्रल कैनाल। तो इस तरह से बोन बनी होती है कि बोन को अपन जब ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे यानी कि आड़ा आप उनको काट के देखें तो बोन्स में आपको इस तरह के कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यानी कि एक सेंटर के अकॉर्डिंग लेयर देखेंगी जिसमें सेंटर में खाली जगह रहती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल कैविटी, और आजू बाजू जो लेयर है इन लेयर को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, लैमेले। और इन लेयर के बीच बीच में आपकी ये आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल आपको यहाँ पर मौजूद रहती है, ठीक है। नाउ द लॉन्ग बोन आर यूजुअली हॉलो एंड कंटेन अ कैविटी कॉल्ड मैरो कैविटी, यानी कि जो लंबी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, ये अंदर से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, और उस कैविटी को हम बोलते हैं मैरो कैविटी, और उसमें बोन मैरो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, वो भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये हॉलो कैविटी में आपको बोन मैरो होता है।
नाउ ये डायग्राम है एक लॉन्ग बोन का, जिसमें कुछ पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे एंड में जो लॉन्ग बोन का पार्ट हो जाता है वो हो जाता है स्पॉन्जी बोन, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। फिर उसके बाद वाला पार्ट हो जाता है कॉम्पैक्ट बोन, और बीच में जो खाली जगह हो जाती है ये आपकी मैरो कैविटी है। यहाँ पर येलो मैरो और बोन मैरो आप कह सकते हैं फिल अप होता है, यानी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये था आपका स्केलेटल टिश्यू का पहला पार्ट जिसमें अपन ने देखा बोन। नाउ स्केलेटल टिश्यू में सेकंड टाइप हम बोल रहे थे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज बोन की कंपेयर में बात करें तो डिश टिश्यू इज इलास्टिक, यानी कि लचीला है, लेस हार्डर है, कम मजबूत है, किससे, एज कंपेयर टू द बोन्स, यानी कि बोन की हार्डनेस कार्टिलेज से ज्यादा हो जाती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, कार्टिलेज। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी या जो इलास्टिकनेस है, या यानी जो लचीलापन है, ये इलास्टिकनेस किस कारण से होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रिन। तो कॉन्ड्रिन नाम का एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसके कारण यहाँ पर कार्टिलेज में क्या रहता है, आपकी इलास्टिकनेस यानी कि लचीलापन। नाउ मैट्रिक्स की बात करें तो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो एक तरह से क्लियर फ्लूइड जैसी होती है, और उसमें कुछ अमाउंट में फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी कि सेल्स जो होती हैं फाइबर और मैट्रिक्स दोनों बनाती हैं, और मैट्रिक्स थोड़ी क्लियर होती है, जेल लाइक होती है। ठीक है, और सेल की बात करें तो सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी कि कार्टिलेज में जो स्पेशल टाइप की सेल है जो कार्टिलेज को बना रही है, उसकी मैट्रिक्स को, उसकी फाइबर को, वो हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट। बात करें साइड्स की, यानी कि बॉडी में आपको कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिल जाएगा, सो ज्वाइंट्स ऑफ द बोन, यहाँ पर आपके बोन्स के ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं, वहां पर इन नोज, एक्सटर्नल नोज यानी कि आपके नोज की टिप में आप देखेंगे, फिर ईयर्स यानी आपके एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर पिन्ना है उसमें, नाउ ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, सांस की नली में, और इसके अलावा आपके स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स में। तो ये वो साइट्स होती हैं कॉमनली, और साथ में जो बोन्स की पैडिंग होती है, यानी बोन के ऊपर एक लेयर होती है, कवर अप होता है, वो भी आपका कार्टिलेज का बना होता है। तो यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा वो हो जाता है स्केलेटल टिश्यू, और उसमें दो सब टाइप देखे हो जाता है बोन और दूसरा कार्टिलेज। आगे इसमें दो टाइप और आपके बाकी हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जिसमें एक हो जाता है आपका मस्कुलर टिश्यू और दूसरा हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो इसके बारे में अपन आगे इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला कनेक्टिव टिश्यू में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, दूसरा था हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। नाउ यहाँ पर आप कुछ और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है, जिसमें थर्ड टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो यहाँ पर अपन बॉडी में बात करें तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पर ये टू टाइप्स का हो जाता है, पहला है येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने बात करी थी कि कनेक्टिव टिश्यू में मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो जाता है फाइबर्स, दूसरा सेल और तीसरा मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है जो कि सेल सीक्रेट करती है, उस मैट्रिक्स में फाइबर कौन से प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे आपका कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स का हो जाता है, पहला येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ येलो फाइबर। तो यहाँ पर जो फाइबर्स का नेचर है, कलर में थोड़े येलोइश व्हाइटिश हो जाते हैं, एकदम येलो नहीं रहेंगे, व्हाइट और येलो के बीच में रहेंगे, और ये नॉर्मली क्या होते हैं, ज्यादा लचीले यानी कि इलास्टिक हो जाते हैं, और येलो फाइबर्स का ग्रुप जो होता है एक तरह का टिश्यू बना देता है और मैट्रिक्स में मौजूद होता है, और उस टिश्यू को हम यहाँ पर बोल रहे हैं लिगामेंट। तो यहाँ पर जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, विच अटैचेस बोन टू बोन, यानी कि दो बोन के बीच में जो ज्वाइंट हो जाता है, तो बोन के बीच में बोन को बोन से अटैच करने में जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हो जाता है लिगामेंट, जो कि किससे मिलकर के बना होता है, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो जहाँ भी हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स होते हैं दो बोन्स के बीच में, तो वो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट, और ये लिगामेंट आपका येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। सेकंड टाइप अगर हम बात करें व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेफिनेटली मैट्रिक्स सेम इज है, सेल्स ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो कलर में एकदम व्हाइट हो जाते हैं, शाइनी होते हैं, और थोड़े से कम इलास्टिक होते हैं, किनके कंपेयर में, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के कंपेयर में ये वाला टिश्यू थोड़ा लेस इलास्टिक, कम लचीला हो जाता है।
They are very little matrix containing abundant white fiber forming layer. Bundle of this tissue are called as a tendons. So यहाँ पर इसे हम क्या बोल रहे हैं? Tendons. Tendons का function क्या हो जाता है? Which attaches muscles to bone. तो जैसे भी कोई भी muscles रहेगी, वो muscle का end से लेकर के जहाँ पर वो जा करके bone में attach हो रही है muscle. तो ये muscle को बोन से अटैच करने में जो स्ट्रक्चर काम आता है वो हो जाता है आपका टेंडन, और ये मिलकर के बना होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. तो ये हो जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप, जिसमें हम पढ़ रहे थे येलो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के दो और टाइप हैं. एक हो जाता है हमारा एरियोलर टिश्यू और दूसरा हो जाता है एडिपोज टिश्यू. तो उसकी और बात करते हैं. So, आगे जो पॉटर टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के, जिसमें दो टाइप बाकी हैं, एरियोलर और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. तो एरियोलर टिश्यू में हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. अबंडेंट यानी कि या डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें यानी कि बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ यानी कि अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होने वाला टिश्यू है आपका एरियोलर टिश्यू. It fills spaces inside organ and is found between the skin and muscle, around the blood vessels, nerves and in the bone marrow. यानी कि skin की अपन जैसे बात करें कि हमारी skin की layer है, उसके नीचे muscle है, तो muscle और skin के बीच का जो खाली जगह है वहाँ पर कुछ spaces में आपको क्या मिलता है? Areolar tissue. इसके अलावा around the organs यानी various organ की जो covering होती है, जो capsule होते हैं उनके, जिनको वो protect करके रखता है organ को, वो किसका मिलकर के बना होता है? Areolar tissue का. इसके अलावा bone marrow और nerve यानी कि जो हमारे brain से आने वाले wires type होते जाते हैं nerves, इनके आसपास की जो layer हो जाती है वो आपकी areolar connective tissue से मिलकर के बनी होती है. इसके अलावा जो टाइप है वो हो जाता है आपका adipose connective tissue. तो यहाँ पर दिस टिश्यू कंटेन्स, यहाँ पर हम जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? ओवल या फिर राउंड हो जाती हैं और फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि इन सेल्स में बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं और ये ग्लोब्यूल्स आपके फैट यानी कि लिपिड के मिलकर के बने होते हैं. सो सेल्स कॉल्ड एज अ एडिपोसाइट्स. यहाँ पर सेल को हम क्या बोल रहे हैं? एडिपोसाइट्स. इट इज फाउंड इन द लेयर बिटवीन द स्किन एंड अराउंड द हार्ट. तो यहाँ पर स्किन के जस्ट बिलो यानी कि सब क्यूटेनियस लेवल पर आपकी एक फैट की परत होती है, साथ में एरियोलर टिश्यू भी होता है और उसके नीचे आपकी मसल्स हो जाती हैं. इसके अलावा अराउंड द हार्ट यानी हार्ट के आसपास की कवरिंग लेयर, ब्रेन के आसपास की कवरिंग लेयर और बिलो द आई बॉल्स यानी कि आपकी आंखों के जो गोले हैं व्हाइट कलर के हैं उनके नीचे भी फैट की पैडिंग यानी कि एक तरह का कवर अप होता है. तो इट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. तो एक तरह का ये बॉडी का इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है यानी बॉडी की जो हीट होती है उसको मेंटेन रखता है, हीट लॉस होने से रोकता है. तो पूरे बॉडी में अपनी एक फैट यानी कि लिपिड की बनी हुई एक पतली परत होती है, वही हो जाता है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो ये हमने यहाँ पर देख रहे थे टाइप ऑफ वेरियस कनेक्टेड टिश्यू, जिसमें हमने देखा ब्लड या वेस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू, स्केलेटल में देखा बोन और कार्टिलेज, प्रॉपर में देखा येलो और व्हाइट फाइब्रस, इसके अलावा देखा एरियोलर और एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू. इसके बाद दो और टिश्यू रह जाते हैं एनिमल में, एक हो जाता है मस्कुलर टिश्यू और लास्ट वाला आपका रह जाता है नर्वस टिश्यू यानी नर्व टिश्यू. तो यहाँ पर पहले हमें इन दोनों के आपके थोड़े डायग्राम दिखा दो बुक में, इसके आगे हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू. तो यहाँ बुक में आपके दो डायग्राम गिवन है, एक तो ये आपका दिया गया एरियोलर टिश्यू का, जिसमें आप देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट है, वाइट फाइबर है, कोलाजन फाइबर है, मास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल है. इसके अलावा एक और डायग्राम गिवन है, ये आपका एडिपोज टिश्यू का है, जिसमें बड़े बड़े सेल्स हैं और इनमें यहाँ पर जो सेंटर में आपको ग्रीनिश कलर का दिख रहा है ये आपके फैट के ड्रॉपलेट्स हैं और कोने में जो डार्क दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस है. तो ये फैट वाली जो सेल हो जाती है इनको बोल रहे हैं अपन एडिपोसाइट, और ये आपका जो हो जाता है एडिपोज टिश्यू का डायग्राम और ये वाला आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम. ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू. सो थर्ड टाइप का हमारा एनिमल टिश्यू है जिसमें हम पढ़ेंगे आपका मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू में हम देखते हैं यहाँ पर मूवमेंट आर ब्राउट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जैसे एनिमल पर किसी भी टाइप का जो मेजर मूवमेंट हो जाता है वो आपके उनके बॉडी में मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के कारण होता है. दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल कॉल्ड एज अ मसल फाइबर. तो यहाँ पे जो सेल होती हैं डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं ऑन देयर इंडिविजुअल टाइप,
लॉन्ग फाइबर्स हो जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोल देते हैं, मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर ही बहुत सारे एक जगह इकट्ठे होकर के बंडल के रूप में मौजूद होते हैं, और ये बंडल आपके मसल को बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि ये एक सर्टेन लिमिट तक आपके खिंच सकते हैं और दूसरा लूज हो सकते हैं। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अपन रिलैक्स हो जाते हैं। तो बॉडी में जिस तरह के मूवमेंट अपन देखने को मिलते हैं मसल्स में, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हो पाते हैं। यहाँ पर फर्दर अगेन मस्कुलर फाइबर 3 टाइप्स के हो जाते हैं, उन्हीं बेसिस पे अपन देखें तो टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू हो जाता है 3 टाइप का। पहला है हमारा स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल, दूसरा है स्मूथ या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल, और लास्ट हो जाता है आपका कार्डियक मसल। तो यहाँ पे हम ये तीनों इंडिविजुअल टाइप के मसल की बात करेंगे एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू हो जा रहा है हमारा स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल। स्केलेटल नाम इसलिए दिया गया है कि जहां पर भी आपके जो बोन्स होती हैं उनके आसपास जो भी ज्यादा करके मसल होती हैं वो आपकी यही टाइप की हो जाती हैं। तो एक तरह से स्केलेटल बनाने में ये हेल्प करती हैं, इसलिए अपन इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। दूसरा नाम दिया गया है स्ट्राइटेड। तो यहाँ पर हम जब इनका डायग्राम देखेंगे तो उसको डायग्राम में आपको मसल फाइबर में डार्क और लाइट कलर के आपको क्या देखेंगे, बैंड्स देखेंगे यानी कि पट्टियां देखेंगे। तो इन पट्टियों के कारण इनको यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल भी कह देते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री मसल बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल, यानी कि हम हमारी इच्छा शक्ति से इनमें मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी से हम इन मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री यानी हमारी इच्छा से काम करने वाले। देन मसल फाइबर सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच। तो यहाँ पर जो मसल के फाइबर होते हैं इसमें आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर प्रोटीन्स के बैंड मिलेंगे, पट्टियां मिलेंगी, और ये अनब्रांच होते हैं यानी कि फाइबर या सेल में किसी तरह की कोई ब्रांच या शाखा नहीं होती। कवरिंग लेयर कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा। तो जैसे नॉर्मल सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, यहाँ पर जो मसल स्ट्राइटेड मसल की जो मसल फाइबर की जो लेयर हो जाती है उसको अपन यहाँ पर सार्कोलेमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्म एंड लास्टली दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, यानी कि ज्यादा इन मसल से काम लेने पर ये मसल में क्या हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, वो थक जाती है और कुछ समय रेस्ट करने के बाद वो मसल फिर से काम करने लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्ट्राइटेड मसल में क्या क्या कैरेक्टर पॉसिबल है। डायग्राम की बात करें स्ट्राइटेड मसल में तो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइटेड मसल्स में। यहाँ पर जो आपको मसल्स में एक तो मल्टी न्यूक्लियसिस दिखेंगे और यहाँ पर पट्टियाँ दिखेंगी डार्क और लाइट बैंड की। बुक में आपको डायग्राम दिखाई देगा इस तरह का, ये आपका स्ट्राइटेड मसल का एक फाइबर है, बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं और ये आपको पट्टियाँ या स्ट्राइशन दिख रही हैं यहाँ पर। सो सेकेंड टाइप ऑफ मसल फाइबर हो जाता है आपका स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड मसल। तो स्मूथ इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी तरह के पट्टियाँ या स्ट्राइटेड नहीं हो जाते हैं और इसलिए हमें नॉन स्ट्राइडेड भी बोल देते हैं। इसके अलावा इनको अपन बोलते हैं दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि इनका जो मूवमेंट होता है मसल्स का वो हमारी इच्छा शक्ति से ना होकर के अपने आप होता रहता है ब्रेन की एक्टिविटी के कारण। सो सेल्स आर इस मसल्स में किस टाइप के सेल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप के। तो इस तरह का मसल फाइबर सेल आपका स्मूथ मसल्स में होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे अपन ने स्ट्राइटेड में देखा था एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे लेकिन यहाँ पर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, तो यूनिन्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप। अब बात करें ये मसल फाइबर में किसी तरह का लेयर नहीं होता लेकिन बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठे होकर के क्या बना देते हैं, गुच्छा या मसल फाइबर का बंडल जरूर बनाते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर आपके बॉडी में हो सकते हैं, सच मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ स्टमक, आपके स्टमक की वॉल में, इंटेस्टाइंस में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई यानी कि आपकी जो सांस लेने की नलियां होती है उसके आसपास, और इसके अलावा आयरिस ऑफ आई यानी आंख की पुतली में जो मसल्स हो जाते हैं ये आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो ब्रेन की सेल्फ एक्टिविटी से होता है, हमारा इन पर डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स।
तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारे स्मूथ मसल फाइबर के जो बंडल है एक साथ मौजूद हैं, एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है और स्पिंडल शेप का आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस और स्पिंडल शेप इन मसल सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। नाउ थर्ड टाइप आपका मस्कुलर टिश्यू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल की बात करें, दे आर ओनली इनवॉलेंट्री मसल, तो ये हमेशा ही कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री। इनका कॉन्ट्रैक्शन ब्रेन की डायरेक्ट एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, तो हार्ट की जो दीवार होती है जिसमें मिडिल जो लेयर होती है मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम में जो कौन से मसल्स मौजूद हो जाते हैं, कार्डियक मसल। देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द स्ट्राइडेड एंड नॉन स्ट्राइडेड। इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखने में ये आपको कैसे दिखेंगी, स्ट्राइडेड, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कैसा हो जाता है, इनवॉलेंट्री। साथ में जो सेल्स होते हैं दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच सेल हो जाते हैं, यानी कि स्मूथ मसल की तरह इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड है और ब्रांच हो जाती है। ऑल दो वहां पर अपने पढ़ा था कि स्ट्राइडेड मसल में ब्रांच नहीं होती है, लेकिन कार्डियक मसल कैसी होती है, ब्रांच जो होती है। इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि एक बार जब हार्ट फॉर्म हो जाता है तो वहां पर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये हो जाता है आपका कार्डियक मसल। नॉन स्ट्राइडेड मसल का कौन सा कैरेक्टर हो जाता है इनमें, इनवॉलेंट्रीनेस का, और स्ट्राइडेड मसल का कौन सा कैरेक्टर हो जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होना। साथ में एक नया कैरेक्टर आ जाता है जो हो जाता है आपका ब्रांच हो जाती है इनके सेल, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द लाइफ आपका चलता रहता है। बुक में आपको डायग्राम मिलेगा इसका, कार्डियक मसल का पेज नंबर 76 पे है डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियक मसल का ये डायग्राम है, बीच बीच में आपको स्ट्राइएशन दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल सेल हैं और सेल आपस में एक डिस्क से जुड़े हुए हैं जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, और बीच बीच में आप देख रहे हैं सेल आपके जो है ब्रांच्ड हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये सेल आपकी ब्रांच्ड हो जाते हैं। तो ये था आपका कार्डियक मसल। सो लास्ट टाइप का आपका एनिमल टिश्यू हो जाता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू कैसा है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल आर केपेबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होता है कि बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन के बदले में बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो जो आने वाली इंफॉर्मेशन हो जाती है वो जाता है स्टिमुलाई। सो नर्वस टिश्यू कैसा है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल आर केपेबल ऑफ परसीव, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कहलाती है स्टिमुला। नाउ देयर फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड एज अ नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। तो जैसे मसल में मसल फाइबर के सेल थे, ऐसे ही नर्वस टिश्यू में आपके नर्व सेल होती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, न्यूरॉन। नाउ देयर सेल बॉडी, यानी न्यूरॉन भी एक तरह का सेल ही है, तो इसमें सेल की बॉडी को अपन बोल देते हैं साइटोन, और जो एक तरह की कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। नाउ शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन राइजिंग फ्रॉम द साइटोन कॉल्ड एज अ डेंड्रॉन, और आगे जाकर के डेंड्रॉन पर सब डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं डेंड्राइट। फाइबर या धागे जैसी संरचना हो जाती है, स्ट्रक्चर अभी डायग्राम में आपको बता देंगे। नाउ एक्सॉन इज अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर और सिलिंड्रिकल प्रोसेस विद फाइन ब्रांचेस एट द एंड, एंड एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ शीट, एक तरह की लेयर से कवर होता है। तो यहाँ पर आपका जो न्यूरोन या नर्व सेल है उसमें हम जैसे बात करें तो स्टार जैसी आपकी इसकी सेल बॉडी हो जाती है जिसमें आपका न्यूक्लियस है, फिर इससे आपके प्रोसेसेस लिख रहे हैं, ये प्रोसेस हो जाते हैं आपके डेंड्राइट्स, ये वाला पार्ट हो जाता है आपका साइटोन, फिर यहाँ से एक सिलिंड्रिकल प्रोसेस निकल रहा है जो कि आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है। तो ये सिलिंड्रिकल प्रोसेस जो है ये आपका हो जाता है एक्सॉन, ठीक है, और ये एक्सॉन आपका शीथ यानी कि एक तरह की लेयर से कवर्ड हो जाता है, पूरी तरह से आपको ये कवर्ड मिलेगा। तो ये शीट कहीं पर मौजूद होती है कहीं पर नहीं होती है, जहां पर मौजूद होती है वहां पर ये इंसुलेशन का काम करती है, और जहां पर नहीं है उसको हम बोल देते हैं नोड ऑफ रेनवियर, साइंटिस्ट के नाम पर है नोड ऑफ रेनवियर। तो इस तरह से आपका जो न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है। बुक में आपका एक डिटेल डायग्राम है उसमें अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके बुक में न्यूरॉन का एक डायग्राम दिया गया है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सेल बॉडी है जिसे अपन बोल रहे हैं साइटोन, ये सिलिंड्रिकल प्रोसेस है ये हो जाता है एक्सॉन, और ये जो कोने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है ये नर्व एंडिंग्स हैं।
फिर हमने बोला था साइटोन से कुछ प्रोजेक्शन या फाइबर रहते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और छोटे फाइबर रहते हैं, इनको बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। बीच में एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सॉन के बाहर ये पतली लेयर है सेल्स की, इन सेल्स को बोलते हैं शॉन सेल। और यहाँ पर जो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, इस एक्सॉन के थ्रू यहाँ पर नर्व का कंडक्शन होता है। तो ये सिंगल नर्व सेल आपस में ज्वाइन करके और साथ में कनेक्टेड टिश्यू मिल करके प्रॉपर नर्व बनाते हैं, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अदर जो बॉडी में नर्व्स फैले होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। सो नाउ यहाँ पर ही हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 साइंस का यहाँ पर टिश्यू कंप्लीट होता है। ये वीडियो का लास्ट पार्ट था जिसमें हमने रिमेनिंग एनिमल टिश्यूज का बारे में डिस्कशन किया। तो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के बारे में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल।